हेलो दोस्तों, कांति चैन में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बहुत इजी तरीके से घर पर बनी पनीर रोल की रेसिपी। तो देर किस बात की है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रोल का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले उसका डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम मैदा, उसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच नमक, 1 चम्मच पिसी हुई चीनी, 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर। अब इन सारे इन्ग्रीडियंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है। देन इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच सादा तेल और इसे अच्छे से हथेली से मसलते हुए मिक्स कर लेना है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी ऐड करेंगे और इसका डो तैयार करेंगे। डो बिल्कुल रोटी के जैसा होना चाहिए, ना ज़्यादा गीला ना ज़्यादा हार्ड। जिस तरह से हम रोटी के लिए आटा को गूंथते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हमें इसका डो भी तैयार करना है। आटा जब गूंथना हो जाएगा तो 1 चम्मच रिफाइंड ऊपर से लगा देंगे और इसे ढककर 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम पनीर रोल का फिलिंग बना लेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है 3 उबले हुए आलू को और इसको इस तरह से मैश कर लेना है। देन इसमें ऐड करेंगे 150 ग्राम ग्रेटेड पनीर, 2 बारीक कटे हुए प्याज, बारीक कटी हरी मिर्च, ग्रीन चिली अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं, नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच टमाटो सॉस। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिलिंग बनकर तैयार है। अब है पराठा बनाने की बारी। तो डो को एक बार अच्छे से और गूंथ लेंगे। डो में से इस तरह से एक लोई लेंगे और उसे अच्छे से गोल कर लेंगे। अब थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और पराठा को पतला बेल लेंगे। दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा, पराठा बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। अब इस तरह से गर्म तवे पे इसे हमें पलट कर सेक लेना है सादा तेल लगाकर। 2 से 3 मिनट पराठा बनकर तैयार हो जाएगा। इसे बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है। अब एक थाली में पराठा को इस तरह से रखेंगे और आलू का फिलिंग जो हमने बनाया है उसको इस तरह से इसमें स्प्रेड कर देंगे। अब इसमें ऊपर से ऐड करेंगे लॉन्ग शेप में कटे हुए अनियन, बारीक कटी हरी मिर्च, नींबू, टमाटो केचप, काला नमक स्वाद के अनुसार। रोल बनकर तैयार है। अब इस तरह को रोल को फोल्ड कर लेना है। आप चाहे ऐसे भी खा सकते हैं, नहीं तो आप इसे बीच से कट कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, बहुत ही कम समय और कम इंग्रेडिएंट्स हैं झटपट टेस्टी पनीर रोल बनकर तैयार है। तो देर किस बात की है, जब भी आपका रोल खाने का मन करे तो बाहर जाने की क्या जरूरत है, घर पर ही आप इतना टेस्टी रोल बना सकते हैं। तो आज की रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।